सबका था। बीइंग रिकॉर्डेड. देखो सबसे पहले अपना आता है ये मॉर्टगेज सिक्योरिटीज के ऊपर है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर है ठीक है चैप्टर। और फिर अपना मिसमैच ऑफ ड्यूरेशन बिटवीन, आज अपन मतलब मेजरली इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ऑफ ड्यूरेशन बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ठीक है। ये लोग क्या करते थे बता देती हूँ मैं, क्या करते थे ये लोग जो डिपॉजिट्स लेते थे ना कस्टमर से, वो हमेशा शॉर्ट टर्म के ले लेते थे और फिर उस पर हमेशा कम इंटरेस्ट पे करते थे ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी लेस पे करते थे मेजरली जो लोग करते थे। एंड ये लोग रेपो मार्केट में या फिर किसी से भी बोरो करते थे ना जब मनी, जो भी इनके लेंडर से लेते थे। रेपो मार्केट क्या होता है किसको पता है, व्हाट इज रेपो मार्केट? हाँ जब आरबीआई उनको स्टेट मतलब डोमेस्टिक बैंक वो देती ना लोन। हाँ मैं समझाती हूँ सब, मैं पहले बेसिक ओवरव्यू बता दूंगी ठीक है सब चीजों का, फिर उसके बाद अपन आगे जाएंगे, नहीं तो ये सब वर्ड ना बाद में जाके तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। लेंडर से पैसे लेते थे तो इसका मतलब क्या होता था कि हम पैसे ले रहे, तो हम बोरो कर रहे, तो हम क्या करते थे, ये एक ही मिनट जस्ट अ मिनट। काम करती हूँ, नीचे नीचे पढ़ेंगे ना तभी ज्यादा अच्छे समझा पाऊंगी, अभी ऐसे नहीं हो पाएगा। चलो एक एक करके ही पढ़ते हैं। सबसे पहले ना अपन एसेंडल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसका कैसा था, इंटरेस्ट रेट रिस्क किसको लगी थी ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क किसके अंदर सबसे ज्यादा है यार। एक एक करके पढ़ते हैं धीरे धीरे, कहीं भी डाउट लगता है मुझसे पूछ लेना ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द पोटेंशियल फॉर लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन इंटरेस्ट रेट लेवल। मैम क्लास कब तक ओवर होगा, क्लास कब तक ओवर होगा, ये तो 7:15 7:30 इतना इतना रखेंगे ठीक है आज, बट अगर मेरा बहुत कम कवर हुआ तो फिर थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, मेरे को अभी श्योर नहीं पता, बट 7:30 तक मोस्टली खत्म कर दूंगी। देखो इसमें कैसा था, क्या बता रही थी, हाँ इंटरेस्ट रेट रिस्क थी ठीक है, और इसमें हम एसेंडल इंडस्ट्री का केस है, ये सब याद रखना ठीक है। जैसे एसेंडल इंडस्ट्री है तो इसका नेम याद रखना जरूरी है, और इसके साथ क्या हुआ था वो याद रखना जरूरी है ठीक है, इंसिडेंट डिटेल्स याद रखना जरूरी है, जो जो भी जरूरी नहीं होगा वो मैं बता दूंगी, बट जितना मैं बता रही हूँ उतना याद रखना जरूरी है। मतलब ये पता होना चाहिए कौन सी इंडस्ट्री थी जिसके साथ ये हुआ था, और फिर बाद में जब जो भी पूरा केस हो गया तो उसके बाद उसे बैंकरप्ट हुआ वो, या उसे कोई फाइन भरने पड़े, या फिर गवर्नमेंट ने उसे ले लिया, ये सब बातें पता होनी चाहिए ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वो कुछ भी पूछते हैं अपने से। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होती है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क? व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क? चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट वजह से जो फ्लक्चुएशन आते हैं प्राइस में। हाँ भाई, मतलब जैसे मैं सोच रही हूँ कि मुझे 7% इंटरेस्ट देना है ठीक है किसी को, एकदम से मार्केट में 10 हो गया, वो भी मेरे से बोल रहा है 10 दो, समझो मैं FRN पे चल रही हूँ, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है ठीक है, इसका मतलब क्या, वो मार्केट के इंटरेस्ट रेट से बनता है, तो 7% पहले तक पे कर रही थी, अब मार्केट में 10 हो गया तो मुझे भी उस हिसाब से पे करना पड़ता है, तो इससे हम लोग ऐसा बोलेंगे, ये जो डर रहता है ना इसे हम इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। इज द पोटेंशियल फॉर लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट लेवल्स, द डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट रिस्क इज क्लासिकली मेजर्ड विद ड्यूरेशन। ये तो अभी तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, वॉट इज ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कोई मुझे बताएगा? जैसे बॉन्ड है ठीक है, तो बॉन्ड में वॉट डज ड्यूरेशन मीन्स, कोई भी मुझे बताएगा, आइडिया है थोड़ा सा भी इस टर्म का? चेंजेस इन मतलब वो इंटरेस्ट रेट की वजह से मतलब जो भी मिस प्राइसिंग होता है मिस हाँ ड्यूरेशन देखो, होता है जैसे एंड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड की वैल्यू
बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगा। घटेगी अब, कम होगी, ठीक है। तो ये सब मतलब इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से जो भी बॉन्ड के प्राइसेस में इफेक्ट होती है, उस सेंसिटिविटी को हम ड्यूरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से जो बॉन्ड में चेंजेस है उसे हम ड्यूरेशन बोलते हैं। मतलब तो यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ, इंटरेस्ट रेट रिस्क की वजह से जो भी हमारे बॉन्ड की प्राइसेस चेंज हो रही है, जो भी डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी है, उसे हम लोग बोलेंगे ड्यूरेशन। द मैग्निट्यूड ऑफ रिस्क कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल ऑफ एस सेविंग्स एंड लोन इंडस्ट्रीज, ठीक है। सेविंग एंड लोन इंडस्ट्री किसी का नाम वाम नहीं है, जस्ट बता रहे कि सेविंग एंड लोन इंडस्ट्री ऐसे होती है। मुझे इतना पता है ऐसे ही कैसे होता है कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं ना, तो उनको पहले के टाइम पे ऐसा बोलते थे, सेविंग्स एंड लोन इंडस्ट्री, ऐसा कोई बैंक वैंक का नाम नहीं है ये। तो अब ये लोग ऑल कमर्शियल बैंक्स, एसेंडल इंक्लूडेड, ये सब बैंक्स टाइप ही है, ठीक है, सारे के सारे बैंक्स के जैसे ही है। एक्सेप्टेड शॉर्ट टर्म डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, ये लोग क्या करते थे, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। और क्या करते थे, ये जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लेते थे ना, इसको ये लोग लॉन्ग टर्म लोन पे देते थे, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। ये हमेशा, जैसे ये अगर 1 साल का है ना, तो ये इनका 5 साल का चलता था, समझ में आ रहा है। तो इनके ड्यूरेशन का भी मैच नहीं होते है। तो ये पता है ना कि हमेशा एसेट और लायबिलिटी का हमें सेम ड्यूरेशन रखना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आसपास रखना चाहिए, इतना पता है या नहीं पता है। मुझे रिप्लाई करना है, ठीक है, इसके अंदर मेरे को रिप्लाई चाहिए सबसे। तो अगर अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा मिसमैच हो जाएगा। और ये लोग क्या करते थे, जैसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जिनसे लेते थे ना, इनको क्या करते थे, इनको बहुत कम इंटरेस्ट देते थे, ठीक है, इनको देते इंटरेस्ट बहुत कम थे, लेकिन जब किसी और को ये लोग इसी पैसे से लोन देते थे ना, तो उससे अच्छे खासे पैसे लेते थे। तो उस टाइम पे ये लोग इंटरेस्ट रेट एकदम हाई रखते थे, ठीक है। और जब खुद को देने की बारी आती है, तो मैं कम दे रही हूँ, तो मैं सिर्फ 3% इंटरेस्ट रेट दे रही हूँ, लेकिन जब मुझे किसी और से इंटरेस्ट रेट लेना है, तो मैं बोल रही हूँ चलो चलो गिव मी 7%, या फिर चलो अगर मैं ये नहीं बोल रही ना 7% का इंटरेस्ट रेट लो दो, तो मैं क्या बोलती थी उनसे, इंटरेस्ट रेट तो हाई रखती थी, 5.5% इंटरेस्ट रेट, और उनसे कोलैटरल देती थी, ठीक है। और फिर ये जो कोलैटरल मुझे मिलता था, ये कोलैटरल को जाके मैं मार्केट से पैसे लेती थी। तो जब मैं मार्केट से पैसे लूंगी ना, इस कोलैटरल से जो मैंने लोन पे दे रखा है पैसा, उससे मैं कोलैटरल लेती थी, और फिर ये कोलैटरल वापस से, और फिर इसकी वजह से मैं वापस से किसी और से डिपॉजिट लेती थी। तो इस चीज को हम रेपो बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, समझ में आ रही है ना मेरी बात। ये लोग क्या करते थे, जब किसी और से पैसा ले रहे होते थे तो एकदम कम इंटरेस्ट रेट लेंगे, और जब हमें किसी को लोन देना है, तो उनसे बोलते थे ज्यादा पैसा दो, कोलैटरल दो। तो लेकिन ये जो कोलैटरल मिलता था ना इनको, इनके हिसाब से उसकी वैल्यू हाई थी। लेकिन हाँ शिवम बोलो बोलो, जैसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पे तो कम ही होता है ना इंटरेस्ट। हाँ शॉर्ट टर्म के लिए कम होता था, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, शॉर्ट टर्म के लिए कम होता था और इन लोगों से ज्यादा लेते थे। लेकिन ये जब मिसमैच बना ना, जो अभी आगे चलोगे, आगे चल के पढ़ोगे ना, तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो मिसमैच बना है इनका, वो इतना, मतलब ये जो ड्यूरेशन है ना, अगर आप 1 साल के लिए डिपॉजिट ले रहे हो ना, तो अगर आप वो पैसा कहीं और दे रहे हो ना, तो आपको 1 साल के लोन पे ही देना चाहिए, 1 साल से ज्यादा के लोन पे दे रहे थे ये लोग, तो इसकी वजह से गड़बड़ हुई। और ये जो कोलैटरल ले रहे थे ना, ये कोलैटरल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं लेते थे, किसी को भी पैसे लेंड कर देते थे, और कोलैटरल कुछ भी मिल जाता था, और इनको लगता था हाँ अच्छी अच्छी क्वालिटी का कोलैटरल है। और मार्केट में जब तक हाउस के प्राइसेस जितने भी थे ना, ये हाउसिंग प्राइसेस ऊपर चल रहे थे, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ये सब प्राइसेस नीचे आने लगे ना, दिक्कत तब चालू हुई, क्योंकि तब ये लोग जो थे, जिन लोगों को इन लोगों ने कोलैटरल दे रखा है, ठीक है, बैंक क्या करती थी, एक ही मिनट में एक पेज ऐड कर लेती हूँ, फिर समझाती हूँ तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो जैसे ये बैंक ही है, ठीक है, ये क्या करेगी, और ये बी है, और ये गवर्नमेंट है, अपन ऐसा रखते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा,
ए है बैंक, ये है कोई कस्टमर, ठीक है। इसने ऑलरेडी डिपॉजिट्स तो ले ही रखे कहीं कहीं से, चलो सोचो नहीं डिपॉजिट लिया कोई, ये क्या करेगी, ये कस्टमर बी को लोन देगी, ठीक है, बैंक लोन देगा $100 मिलियन का, ठीक है, और उसको बोलेगा ये 5 ईयर का लोन है, इसके बदले में मैं तेरे से लूंगा 5.5% का इंटरेस्ट प्लस कोलेटरल, ठीक है, और ये जो बी है ना, इसके कोलेटरल की वैल्यू, इसके कोलेटरल, इसका ये जो कोलेटरल था ना, पहली बात तो ये कोलेटरल इतना अच्छा था ही नहीं, ठीक है, इसकी क्वालिटी बेकार थी, लेकिन उस टाइम पे सबको ऐसा लग रहा था कि हाँ अजम्पशन था, ये एक अजम्पशन ये था कि कोलेटरल की वैल्यू इज गुड, ठीक है, इन एक्चुअल इट वाज नॉट गुड, बट इनको ऐसा लगता था दैट इट वाज गुड एंड बी इज अ गुड कस्टमर, ही विल पे बैक ऑल द मनी, ठीक है, बट इन रियल दिस सिचुएशन वॉज नॉट लाइक दिस, जैसे हमने सोचा था वैसा नहीं था, ठीक है, बी की क्रेडिट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये बहुत टाइम तक पता ही नहीं चल रहा था किसी को क्या चल रहा है। अब देखो इसने क्या किया, इसने इसको तो 100 मिलियन का लोन दे दिया, लेकिन बैंक के पास ये 100 मिलियन कहाँ से आए, बैंक के पास इतना पैसा आएगा नहीं, तो बैंक क्या बोलती थी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट आप मुझे शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे दो, ठीक है, गवर्नमेंट से शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेती थी, और ऐसे इसके पास एक कस्टमर नहीं, बहुत सारे कस्टमर होते थे, ठीक है, ए बी सी, ए तो खुद बैंक है, ठीक है, ऐसे इसके पास बहुत कस्टमर्स होते थे, ठीक है, ये सारे कस्टमर्स है, और इन सबसे ये कोलेटरल लेती थी, तो बैंक क्या बोलती थी, बैंक एक साथ 100 मिलियन तो नहीं, बट जैसे समझो 500 मिलियन का लोन ले लेगी, ठीक है, और फिर बाद में ये 1 साल का लोन लिया है बैंक ने, और इसको बोलेगी मैं आपको इस पे 3% इंटरेस्ट, और अपना ये जो कोलेटरल ये कस्टमर से लेती थी ये वाला कोलेटरल बैंक को दे देगी, ठीक है, मैम, ये आपने लिखा बिल पे बैक द मनी, इसके बाद रिवाइज वापिस बता दो, आवाज कट रही थी। मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ शिवम, मेरे को पता है कंफ्यूज करेगा, मैं बता रही हूँ सारी बातें बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना बस, अभी एक बार ये सुन लो, मैं चलो एक बार और रिपीट करती हूँ, देखो पहले ना, पहले ये वाली सिचुएशन अज्यूम करो, ठीक है, बैंक के पास पहले तो बहुत सारे कस्टमर्स होते थे, ठीक है, ये सबको लॉन्ग टर्म लोन देता था, लॉन्ग टर्म लोन देती थी बैंक, ठीक है, सबको लोन देती थी बैंक, समझो 5 ईयर्स के, सबसे कोलैटरल लेती थी, ये समझ के कि कस्टमर्स आर हैविंग गुड क्वालिटी, आर ऑफ गुड क्रेडिट क्वालिटी, ठीक है, इतना समझ में आया कि बैंक को ऐसा लगता था, जैसे बैंक ने बी को लोन दिया तो बैंक को लगता था कि कस्टमर की क्रेडिट क्वालिटी अच्छी है, और ये जो कोलेटरल दे रहा है ये कोलेटरल भी अच्छा है, ये मतलब कुछ चेक नहीं करते थे वो लोग प्रॉपरली, इतना समझ में आई मेरी, इतनी बात समझ में आई शिवम, आई इतनी बात समझ में, हाँ या ना, हाँ, फिर अब बैंक क्या करती थी, पर बैंक को अगर किसी को लोन देना है तो बैंक के पास भी तो पैसा होना चाहिए कहीं से, तो बैंक क्या करती थी, गवर्नमेंट को बोलती थी कि आप मुझे एक साथ समझो 500 मिलियन का लोन दे दो, और ना बैंक को ये जो कस्टमर्स का जो कस्टमर से कोलैटरल लेती थी ना, बैंक को वो ही कोलैटरल दे देती थी, और उसको थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पे करती थी, लेकिन ये क्या ये चलता रहता था इनका ऐसे कि बैंक से बार बार पैसे बोरो करना, उनको कोलैटरल देना, और ऐसे कर करके कस्टमर्स को दे देना, लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, ये जो कोलैटरल ये दे रही थी, ठीक है, इसकी पहली बात तो वैल्यू, कलर बदलती हूँ मैं, ठीक है, ये जो कोलैटरल था ना, इसकी प्राइसेस स्टार्टेड टू फेल, ठीक है, इन 2007 एंड 9,
ठीक है, ये कब फेल होने लग गई, क्योंकि तब वो टाइम पे पूरा मार्केट गिरा था, ठीक है, हाउसिंग प्राइस, सारे हाउस की प्राइसेस नीचे आ गई। इतना समझ में आया मेरी बात, समझ में आई मेरी बात। और ये जो कस्टमर्स थे इनने क्या किया यार, आई डोंट नो मेरा ये। हाँ, ये जो कस्टमर्स थे ना, कस्टमर्स ने भी पे नहीं किया, ठीक है, एंड कस्टमर स्टार्टेड टू डिफॉल्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट ले रखा है, यहाँ पे कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जिससे बैंक ले रही थी, ठीक है। अब अगर कस्टमर पैसे नहीं देंगे, कस्टमर की क्रेडिट क्वालिटी जो कोलेटरल की है ये सब खराब है, तो ये क्या फाइनल, तो क्या एफआई फिर भी बैंक को कंटिन्यूअसली पैसे देता रहेगा? जैसे एक साल में ये पैसे दे रहा है इस कोलेटरल के भरोसे कि हाँ बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, और यहाँ पे कस्टमर एकदम से इंटरेस्ट रेट देना बंद कर दे जो इसको इंटरेस्ट देना था, कस्टमर स्टॉप गिविंग इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स ही बैंकरप्ट हो गए, ठीक है, कस्टमर्स की सारी क्रेडिट क्वालिटी एकदम कम हो गई, ठीक है। Didn't paid interest and loans back and loan money back, ठीक है, और collateral की prices started to fall। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मुझे हाँ ना बोलो सब लोग। हाँ, स्टार्टेड टू फेल, ठीक है, ये सिचुएशन हुआ तो बैंक को तो पैसे मिलने बंद हो गए। हाँ, इसकी वजह से क्या होगा, बैंक को पैसा मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। बैंक की 2007-09 में क्या सिचुएशन हुई थी ना वो मैं बताती हूँ, ठीक है। 2007-09 में ना ये जो कस्टमर्स थे स्टॉप्ड पेइंग इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल, ठीक है, और फिर कोलेटरल की वैल्यू जाने लग गई, ठीक है, कोलेटरल अपने नीचे आने लग गए सारे के सारे। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी इसने पैसा देने से मना कर दिया, ठीक है, इसने मना कर दिया, क्योंकि ये सिचुएशन हो रही है बैंक की पैसे, अगर बैंक को कस्टमर पैसे वापस नहीं देगा तो बैंक कैसे, तो फिर बैंक कैसे इनको पैसे वापस देगी? समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। और फिर जो भी कोलैटरल था ना, इसकी जो भी वैल्यू मिल रही थी उनको सब कुछ सेल करना पड़ा, ठीक है, ये मेरी बात समझ में आई? तो बैंक फंस गया, इसलिए बैंक जो था ना, बैंक भी सारा का सारा बैंकरप्ट हो गया, मेरी बात समझ में आई? ऐसा ये सिचुएशन थी 2007-09 की, हर कोई, एवरीवन वाज इन डिफॉल्ट, ठीक है, अगर कस्टमर पे नहीं करेगा बैंक पे नहीं कर पाएगा, बैंक पे नहीं कर पाएगा तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे इनको अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा था, तो ये जो कोलेटरल था ना इनको बैंक को सबको इसे कम प्राइसेस पे बेचना पड़ा, तो ये सिचुएशन थी वो टाइम पे। अभी यहाँ पे यही सब लिखा है, अब एक बार पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, एक्सेप्टेड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड यूज दोज फंड्स टू मेक लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स बनाने के लिए यूज करते थे, और वो लोन से कोलेटरल लेते थे, इंटरेस्ट रेट लेते थे अच्छा खासा। तो ये लोग क्या करते थे, ये एक देखो, जैसे यहाँ पे इसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 5.5% का, और यहाँ पे इसको, चलो ये 3% तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, इसको 1% ही पे करना पड़ता था क्योंकि ये कोलेटरल भी दे देता था, ठीक है, तो 1%, तो ये जो दोनों के बीच का गैप था ना, 5.5% एंड 1%, इसके बीच का ये जो गैप है ना, ये बैंक का प्रॉफिट होता था। समझ में आई मेरी बात?
ये प्रॉफिट बनाने के लिए इतना बड़ा उन लोगों ने पूरी साइकिल बनाई थी, जस्ट बिकॉज उनको ये प्रॉफिट कमाना था. गोल इज टू कैप्चर द स्प्रेड, द गोल इज टू कैप्चर द स्प्रेड बिटवीन रेट पेड फॉर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड द रेट रिसीव्ड फॉर लॉन्गर टर्म लोन्स. ठीक है, ये जो था ये रेट लो था, ये रेट हाई था, तो देयर वॉज अ प्रॉफिट. फिर द सेविंग्स एंड लोन क्राइसिस वॉज अ कॉम्प्लेक्स इवेंट दैट इलस्ट्रेट्स द इम्पैक्ट ऑफ अनमैनेज्ड इंटरेस्ट रिस्क ऑन फर्म एंड पोटेंशियली एन एंटायर इंडस्ट्री. ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन 1993, ठीक है, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई. रेगुलेशन क्यू क्या बोलता था, वॉज एक्सटेंडेड टू एसेंडल्स इन 1966. ठीक है, द रूल इनेबल्ड एसेंडल्स टू लिमिट इंटरेस्ट रेट. अब ये इस चीज को कम करने के लिए इन लोगों ने कुछ कुछ चीजें बनाई थी, ठीक है, कि कैसे कम करें इसे, तो ये रेगुलेशन क्यू बोलता था. क्या बोलता था, लिमिट द इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स. ठीक है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो उसको लिमिट कर दो, बट वो तो एनीवेज कम ही पे करते थे, उसमें तो कुछ ऐसा खास नहीं था. ठीक है, विच अलाउड देम टू मैक्सिमाइज द स्प्रेड बिटवीन. अच्छा नहीं, 2 मिनट, जस्ट अ मिनट, ये कुछ कम करने के लिए नहीं था. ठीक है, ये तो यही रेगुलेशन क्यों था, विच वॉज द डिफ जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी. ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम थी. ठीक है, यही गलत था. ठीक है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये क्या करता था, ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट के प्राइसेस कम करने बोलता था, सॉरी इंटरेस्ट रेट कम करने बोलता था, जिसकी वजह से ये जो हाई इंटरेस्ट रेट है ना, इसका जो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड है ये मैक्सिमाइज हो जाए, मतलब हाई प्रॉफिट्स. ठीक है, एंड अ 10 ईयर मॉर्गेज दैट वर वेरी कॉमन इन एसेंडल्स. इसका मतलब क्या हुआ, 10 ईयर मॉर्गेज मतलब ये लोग जो लोन बनाते थे ना, 10 10 साल के लोन होते थे, और इसका पूरा, ये एक लोन नहीं था, मैंने क्या बोला, ऐसे इनके पास 1000 लोन्स के पूरे मॉर्गेज होते थे. ठीक है, पूरे के पूरा पूल होता था. समझ में आ रही है मेरी बात, एक लोन नहीं 10 साल के लिए देते थे, एक साथ बहुत सारे लोन देते थे 10 साल के लिए, नहीं तो कोई भी इनको 500 मिलियन क्यों देगा, उसके बदले में वो लोग अच्छा खासा कोलैटरल वगैरह देते होंगे. एंड सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि ना तो बैंक चेक कर रहे कि कोलैटरल कैसा है, ना तो गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चेक कर रहे कि कोलैटरल कैसा है, तो मतलब नो वन इज एक्टिंग प्रॉपरली, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी. फिर इसकी वजह से क्या हुआ, यील्ड कर्व एकदम से अपवर्ड स्लोपिंग था, वो यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग था, इसका मतलब ऐसे था. ठीक है, ऐसा अगर होता है ना तो हम बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग. मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ऐसा. ठीक है, इसे हम अपवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं. अपवर्ड स्लोपिंग इज गुड, डाउनवर्ड स्लोपिंग इज नॉट गुड. Which meant short term rates were much lower than long term rates. ठीक है, ये याद रखना, ये कभी भी MCQ में पूछ सकते हैं, ये वाला पॉइंट. ठीक है, ये वाला पॉइंट MCQ में पूछ सकते हैं, दैट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व में क्या होता है, तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व में क्या होता है, दैट शॉर्ट टर्म रेट्स आर मोर देन लॉन्ग टर्म रेट्स. ठीक है, मोर देन लॉन्ग टर्म रेट्स. और ये जब ऐसा कर्व जो बनता है ना, इसको हम बोलते हैं राइट द कर्व. ठीक है, इस कर्व को हम बोलते हैं राइट द कर्व, और प्रॉफिट बनता है इसी वजह से, प्रॉफिट फ्रॉम द पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट स्प्रेड. द रियलिटी वीकेंड स्ट्रॉन्ग लेंडिंग मार्जिन्स टू द पॉइंट वेयर लॉसेस बिगैन टू माउंट. ठीक है, यहाँ पे क्या होने लगा था, ये जब कस्टमर्स पे ही नहीं कर पा रहे थे, तो सिचुएशन कैसी हो गई थी, मैं यहाँ पे ये सिचुएशन है 2007-09 की. ठीक है, ये तब हुआ था. ठीक है, पहले तो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद कैसा होने लग गया कि जो कस्टमर्स थे, जिनको जिन लोगों ने लोन लिया था हमसे, वो लोग 6%, जिन लोगों से हमने लोन लिया था, सॉरी मतलब नॉट इवन कस्टमर्स, FIs. ठीक है, वो FIs हमको बोलते थे कि 6% आप दो, जो जो पैसा बैंक बोरो कर रहा है. ठीक है, बैंक को FIs बोलती थी, FIs were asking 6%. ठीक है, were asking 6%, while customers जो थे ना, customers से उनको सिर्फ 5% मिल रहा था. ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन से उनको सिर्फ 5% मिल रहा था, क्योंकि कोई पे ही नहीं कर पा रहा था.
से सिर्फ 5% मिल रहा था। तो पहले क्या हो रहा था, पहले कैसा था कि FI से सिर्फ हम 1% देते थे और यहाँ पे हम 4.5 लेते थे। अब सिचुएशन उल्टी हो गई थी, अब सिचुएशन वो 6% आप इधर पे कर रहे हो और इधर से आपको मिल रहा है सिर्फ 5%। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। समझ में आई मेरी बात? पूरी सिचुएशन क्लियर है क्या है सबको? क्लियर है सिचुएशन पूरी? इधर से सिर्फ हमको मिल रहा था 5%, इधर दे हम रहे थे 6%। देयर वाज अ वेरी 1% का लॉस। एंड ये 1% तो हमें सिर्फ दिख रहा है, ये तो क्योंकि एग्जाम्पल है, बट चीजें एकदम अलग थी। आई डोंट नो व्हाई इज माई स्क्रीन गेटिंग लॉक्ड ऐसे। हाँ जिस क्योंकि ये सब क्यों था, क्योंकि ये जो लोन्स में, जो ये लोग लोन्स में एंटर हुए थे ना, ये लोन्स रिस्की लोन्स थे क्योंकि कस्टमर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। यू शुड हैव चेक्ड। आजकल रिस्क मैनेजमेंट है तो हम लोग प्रॉपरली चेक करते हैं सबकी, कस्टमर की क्रेडिट क्वालिटी क्या है। इसलिए देखा, क्रेडिट स्कोर वहां पे लिखा आता है, जब अपन देखते हैं कहीं पे तो लिखा आता है, जैसे जीपे वगैरह यूज करते होंगे तो वो लोग लिखते होंगे चेक योर सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर। देखा है कभी? देखा है या नहीं देखा है? हाँ, तो इसलिए आजकल ये सब होता है। लोन देने से पहले ना वो आपसे 100 क्वेश्चन पूछेंगे, अदरवाइज कोई लोन भी नहीं देता आजकल इतना इजीली। फिर अमेरिकन टैक्स पेयर्स हैड टू एंगेज इन अ 160 मिलियन बेल आउट ऑफ द इंडस्ट्री एंड रफली 35% ऑफ एसएनएलस वर इमीडिएटली आउट ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ सर? किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, किसी को बहुत ज्यादा टैक्सेस बेयर करने पड़ रहे थे। कोई कोई बैंक्स वर बैंकरप्ट, कंप्लीटली बैंकरप्ट। फिर कोई कोई बैंक्स को गवर्नमेंट ने ले लिया था। तो दिस वर द थिंग्स। ठीक है, अब इससे क्या लेसन लर्न हुआ? ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये इम्पोर्टेंट है। द एसेंडल क्राइसिस ब्रॉट इंटरेस्ट रेट रिस्क टू द फोर फ्रंट ऑफ द डिस्कशन एंड एनकरेज रिस्क रिलेटिव थिंकिंग। ठीक है, रिस्क रिलेटिव थिंकिंग करनी इज इम्पोर्टेंट। बैंक हैव सम टूल्स टू मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क इनहेरेंट इन देयर बिजनेस मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ? हम ERM वगैरह रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? कि हमारा जो रिस्क है वो कोई प्रॉपरली चेक कर रहा है। ऐसे हम किसी भी चीज पे, मतलब कोई भी चीज सोच के बैंक को, मतलब किसी और को लोन वगैरह नहीं दे सकते। हम लोगों को प्रॉपरली थिंक करना पड़ेगा। वी शुड हैव अ कंप्लीट प्रॉपर सिस्टम, सब चीजें होनी चाहिए। तो ही हम जब जो भी इंटरेस्ट रेट रिस्क लेंगे, वी शुड चेक एंड देन ओनली टेक द रिस्क। सबसे पहला तो क्या है, मैच द ड्यूरेशन। ठीक है, असेट्स का ड्यूरेशन शुड मैच विद लाइबिलिटी का ड्यूरेशन। ठीक है, ये 1 साल 5 साल का गेम है, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, एंड देयर लॉन्ग टर्म असेट्स, ये तो ये वही बात है। ठीक है, इफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर कोरिलेटेड एंड दे हैव एन अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ड्यूरेशन, देन देयर मूवमेंट विल ऑफसेट ईच अदर एज इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट। ठीक है, अगर ये दोनों सेम तरह के हुए, ठीक है, जैसे इधर से भी, इधर आप लोन दे रहे हो, इधर से आप लोन ले रहे हो, एक ऐसी चीज हुई, तो क्या होगा कि जब इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होंगे ना, तो हमें कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि सेम ड्यूरेशन का लो। ठीक है, सेम ड्यूरेशन का लो। और दूसरा क्या बोलते हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क है ना, तो यूज डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए सबसे अच्छा डेरिवेटिव प्रोडक्ट तो IRS ही होता है। उसके अंदर ही आता है कैप, फ्लोर, स्वॉप्स, ये सब वही है। ठीक है, यूज इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स। तो आपका डेरिवेटिव प्रोडक्ट यूज करके भी इंटरेस्ट रेट तो भी कभी कभी रिस्क कम होती है। बट इसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जिसको समझ में आता है वो ही इसमें एंटर हो सकता है, जिसको नहीं समझ में आता है वो कैसे एंटर होगा? अभी एक बार रीड करो ये पूरा, यहां से लेके यहां तक। मैं 2 मिनट देती हूँ, एक बार रीड करो, कुछ भी डाउट है तो पूछो मुझसे। तो मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था मैं लिखूंगी। चलो
हो गया क्योंकि कुछ डाउट है सबको पूरा समझ में आया ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप भी समझ लो तो अच्छा है। बार 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 ये मॉर्गेज का टॉपिक थोड़ा ऐसा है ही कंफ्यूजिंग। समझ में आ रहा है सबको पूरा प्रॉपर? कहीं छोटा सा भी डाउट नहीं है ना? है तो मुझसे पूछ लेना अभी। अभी अभी नेक्स्ट क्या है? लीमन ब्रदर्स। ठीक है, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। इसका क्वेश्चन पक्का आने वाला है। ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे एक एमसीक्यू पक्का बनता है, तो एकदम अच्छे से करना। ऊपर का सपने पढ़ लिया है ना, कुछ बचा नहीं है ना किसी का भी रीड करने को। अभी लीमन ब्रदर्स ना मैंने यहाँ पे लिखा ही है, पन इधर से ही करेंगे लीमन ब्रदर्स। ठीक है, द कोलैप्स ऑफ लीमन ब्रदर्स इन 2008। आप लोग भी यहीं से पढ़ना। ठीक है, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी। इधर से पढ़ना, क्योंकि क्या इधर से पढ़ने जाओगे ना तो बोर हो जाओगे। ये इतना बड़ा थियोरी है, इधर पढ़ने जाओगे ना तो बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने ऐसे पॉइंट्स पॉइंट्स में कर दिया है, तो क्या इजीली हो जाएगा सब कुछ। द कोलैप्स ऑफ लीमन ब्रदर्स इन 2008 वॉज सिग्निफिकेंट इवेंट इन फाइनेंशियल हिस्ट्री। ठीक है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है। किसी ने कभी सुना है व्हाट इज लीमन ब्रदर्स का केस? तो सुना ही होगा सबने, जो भी स्टॉक मार्केट में, उसने ये केस नहीं सुना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कौन कौन है जो हो स्टॉक, गया कौन कौन है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या इंट्राडे ऐसा कुछ भी करते हो? कौन कौन है इन्वेस्टमेंट्स? था तो नहीं करता, इन्वेस्टमेंट करता होगा। इंट्राडे तो अभी इंट्राडे करना है डिफिकल्ट। मैं पहले थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करती थी, बट मेरा वो भी बंद हो गया है, तो अभी ठीक है। वैसे विदाउट नॉलेज कुछ करना भी नहीं चाहिए सब चीजें। डेंजर्स ऑफ हाई लेवरेज। ठीक है, इसका मेन पॉइंट था डेंजर्स ऑफ हाई लेवरेज। ये लोग लेवरेज बहुत ज्यादा ले रहे थे, फिर रिस्क मैनेजमेंट बहुत पुअर था, एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, हियर इज अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ फैक्टर्स दैट लेड टू लीमेंस फेलियर, फोकसिंग ऑन द बिजनेस मॉडल, लेवरेज एंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये इस मॉडल की सबसे खराब चीजें थी जिसकी वजह से ये पूरा बैंक डूबा है। ठीक है, सबसे पहले तो व्हाट वाज द बैंक इनटू, तो वो हम पहले देख रहे थे। व्हाट वाज द बैंक इनटू, मतलब क्या काम था बैंक का? बैंक क्या करता था? बैंक वाज डीपली इन्वॉल्व्ड इन सिक्योरिटाइजेशन ऑफ यूएस स्टेट असेट्स। ये क्या करता था? लोन्स देता था बहुत सारे लोगों को, एक साथ 100 100 लोन्स का पूल बनाता था। ठीक है, फिर ये पूल बना के ये लोग क्या करते हैं, इधर ये लोग एसपीवी को बेच सकते हैं। एसपीवी क्या अपनी फीस चार्ज करती है और फिर उस हिसाब से इन्वेस्टर्स को पैसे देती है। या तो ये लोग क्या, या तो आप एसपीवी को मत लेके आओ। तो इन लोगों के केस में कोई एसपीवी थी नहीं, तो ये लोग क्या खुद ही इन्वेस्टर से फीस चार्ज करते थे। जैसे ये 100 असेट्स का है, तो ये पूरा एक मॉर्गेज, ये पूरा एक
इनका सिक्योरिटाइजेशन बोलते थे, ठीक है, ये पूरा मॉर्गेज एक बन जाता था। फिर ये मॉर्गेज ये लोग इन्वेस्टर्स को बेचते थे, और फिर इसका जो भी इंटरेस्ट वगैरह सब आता था ना, वो सब जो भी इसके इंटरेस्ट रेट्स होते थे या इसके कोलैटरल वगैरह जो भी सब था, वो सब ये इन्वेस्टर्स के पास ही था। तो जो भी इन लोन से मेजरली इंटरेस्ट रेट ही आते थे, तो जो भी इंटरेस्ट रेट के बीच का वो स्प्रेड होता था ना, उसके प्रॉफिट के कुछ चीजें, कुछ पोर्शन ये लोग ये इन्वेस्टर्स को दे देते थे और इनसे कुछ फीस चार्ज करते थे, ठीक है। इनका मेजर काम ये था, लेकिन सबको ये पता है कि लोन्स ही खराब थे। अगर लोन्स ही सही नहीं है तो ठीक है, थोड़े टाइम तक जब तक प्राइसेस हाई थे घर के तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस दिन ये लोन की प्राइसेस गिरने लगी ना, दिक्कत उस दिन होने लगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स का तो सारा पैसा डूब गया ना। इन्वेस्टर्स को बैंक वापस से पैसा दे नहीं पा रहा, इंटरेस्ट रेट कुछ ज्यादा दे नहीं पा रहा, तो तब जाके दिक्कत हुई है। यहाँ पे देखो, समझ में आ रही है ना बात पूरी? एग्जैक्टली वही बात है जो एक मैंने बार वापस बोल, बताओ ना। हाँ ये देखो, ये क्या करता था बैंक, बैंक बहुत सारे लोगों से लोन ले लेता था, ठीक है, 100 लोन्स होगा इसके पास, 100 लोन्स का पूल बनाएगा और ये मॉर्गेज इन्वेस्टर्स को बेचेगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स इसके अंदर अपने पैसे डालेंगे, ठीक है, समझो वो अपने, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते होंगे जो अपने पैसे डालते होंगे, और फिर वो क्या करता होगा, वो वापस से इनको पैसे देता होगा। जैसे इधर मैंने 100 मिलियन इन्वेस्ट किए, ठीक है, इन्वेस्टर होने के नाते ये पूरा 1000 मिलियन का पूल है, ठीक है, 1000 मिलियन लोन, इतने अमाउंट का पूल है ये पूरा। और इधर क्या करते हैं, ये जो कस्टमर्स होंगे जिनके लोन होंगे, वो अपने इंटरेस्ट रेट बैंक को देते होंगे, उनका कोलेटरल बैंक के पास पड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये जो बैंक था ना, बैंक ये 100 मिलियन का थोड़ा थोड़ा पोर्शन वापस से इन्वेस्टर्स को देता रहता था, इंटरेस्ट प्लस जो पोर्शन बनता है, जैसे 10 मिलियन दे दिया तो क्या इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट होता रहता था। समझ में आई मेरी बात? अभी समझ में आ रही है बात? क्या हाँ मैम समझ में आई ना अभी? ठीक है, बट दिक्कत कहाँ पे हुई वो मैं बताती हूँ। जिस दिन इन लोगों ने इंटरेस्ट पे करना बंद कर दिया, अगर इन लोगों ने इंटरेस्ट पे करना बंद कर दिया, ये जो कस्टमर्स है, ठीक है, जिस दिन कस्टमर्स ने इंटरेस्ट पे करना बंद कर दिया, ठीक है, और इनके कोलेटरल की वैल्यू नीचे गिरने लग गई, उस दिन बैंक इनको वापस से पैसे नहीं दे पा रहा था, ठीक है, उस दिन इन्वेस्टर्स को पैसे वापस नहीं मिल रहे थे, और ये जो कोलेटरल था ना, इसको बेच के भी पैसे नहीं आ रहे थे, क्योंकि बैंक ने क्या सोचा था, चलो कोई नहीं, ये कस्टमर्स पैसे नहीं देंगे तो इनका कोलेटरल बेच देंगे अपन, और ये कोलेटरल से जो भी पैसे बनेंगे वो इन्वेस्टर को दे देंगे। लेकिन जब कोलेटरल बेच रहे थे तो उसकी भी वैल्यू इतनी नहीं आती, तो क्या हुआ, इन्वेस्टर्स का जो पैसा था वो पूरा डूबा और बैंक नीचे नीचे जाने लगा। ये पूरा सिचुएशन है, अब अपन पढ़ते तो समझ में आएगा और अच्छे से। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ यूएस रियल एस्टेट असेट्स, ठीक है, ये जो कोलेटरल था, एक पूरे कोलेटरल का, सब लोन्स का, लोन्स कोलेटरल उसमें जो भी मिला, इन सबका पूरा पूल था, ठीक है। ये लोग वही पूल को मार्केट में बेचते थे। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड पूलिंग वेरियस लोन्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सिक्योरिटीज एंड सेलिंग देम टू इन्वेस्टर्स। इतनी बात क्लियर है? लोन का पूल बनाते थे, उसको एक पूरी सिक्योरिटी बनाते थे, मॉर्गेज सिक्योरिटी, और उसको इन्वेस्टर्स को बेचते थे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? बोलो तो सही, बहुत टफ है, ठीक है, जब खुद से पढ़ने बैठोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ मेरे को बोलते जाओ अभी। बाय डूइंग सो लीमैन कुड जनरेट फीस, ठीक है, लीमैन को इन्वेस्टर से फीस मिल रही थी, और अर्न प्रॉफिट द स्प्रेड बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑफ अंडरलाइंग लोन्स एंड रेट पेड टू इन्वेस्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ, स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, ठीक है, बैंक ने क्या किया है, 5.5% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया है। तो क्या तुम किसी के साथ, अगर चलो तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे मैं और शिवम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने शिवम को शिवम ने मैं शिवम और रोहित तीन लोगों को लेना पड़ेगा, एक ही मिनट इधर ऐसे बताती हूँ, ठीक है, मैं हूं, रोहित है और यहाँ शिवम है, ठीक है। शिवम ने मेरे को बोला कि मैम मैं आपको 1000 रुपीज देता हूँ, ठीक है, आप मेरे को थोड़े टाइम बाद इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना। मैंने कहा ठीक है,
अब मैं क्या करूंगी, यही 1000 रुपीज का रोहित को लोन दे दूंगी, ठीक है। रोहित को भी लोन चाहिए, ठीक है। तो रोहित ने बोला कि मेरे को 1000 रुपीज का लोन दे दो, मैं आपको इसके ऊपर 3% का इंटरेस्ट दे दूंगा, ठीक है। रोहित ने मेरे को ऐसा बोला, और मैंने शिवम को क्या प्रॉमिस किया कि जैसे ही मेरे को रोहित पैसे वापस करेगा, लेकिन रोहित तो क्या, रोहित ने तो सिर्फ एक दिन का लोन लिया था, ठीक है, 1 डे का। और शिवम को मैंने बोला था 10-15 डेज के बाद दूंगी, ठीक है, मैं तुझे 15 डेज बाद पैसे दूंगी। तो मैं इससे क्या करती थी, 3% का इंटरेस्ट लेती थी, 3% का इंटरेस्ट रोहित से लेती थी, और शिवम को क्या बोलती थी, शिवम तेरे को 15 दिन बाद मैं 1.5% का पैसा दे दूंगी। दोनों को प्रॉफिट है, ठीक है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, 3% का मुझे इंटरेस्ट रेट आ रहा है, ठीक है, मुझे पैसे अपना खुद का डालना नहीं पड़ रहा, मैं शिवम से ले रही हूँ, शिवम को इतना कुछ पता नहीं है कि मैम क्या किससे क्या पैसा ले रही है, तो शिवम भी भोला बन के मेरे को पैसे दे दे रहा है, ठीक है। और फिर मैं इसका 3% प्रॉफिट निकाल रही हूँ, ठीक है, 3% का एक दिन में ले रही हूँ पैसे, और बाद में शिवम को सिर्फ 1.5% दे रही हूँ 15 दिन के बाद। तो ये पहली बात, तो मैं बीच में पैसा बचा रही हूँ, और इधर का जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट का 1.5% का प्रॉफिट बना रही हूँ। समझ में आई मेरी बात क्या हो रहा है? ये नोट्स तो 3% है। हाँ क्या शिवम आवाज क्लियर नहीं है? नोट्स तो 3% है। आवाज नहीं आ रही, मैसेज पे लिखो, मैसेज से टाइप कर दो, कट कट के आ रही है। रोज का 3% है क्या? अरे ये मैंने एग्जाम्पल लिया है शिवम, ऐसा रियल में नहीं होता, ठीक है। रियल में उनके रेट्स वगैरह, ये शिवम के 15 दिन बाद का या फिर 15 दिन बाद का नहीं। शिवम देखो, रोहित से मैं एक दिन में ही 3% ले रही हूँ, तुमको बोल रही हूँ 15 दिन बाद मैं तुमको 1.5% दे दूंगी। चलो 1.5 नहीं, तो तुमको थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैम इतना कम दे रही है, 2% दे दूंगी, ठीक है, 2% दे दूंगी, तो भी 1% का प्रॉफिट कमा रही हूँ मैं। और वो लोग बड़ी बड़ी अमाउंट में डील करते होंगे, ठीक है, तो उनको 1% का प्रॉफिट वॉज टू मच। और इधर क्या है, रोहित को पैसे मिल रहे हैं अपने, रोहित को इतना कुछ इंटरेस्ट रेट, रोहित को तो चलो ठीक है थोड़ा कि रोहित को इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, लेकिन रोहित समझो, रोहित मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट निकला, ठीक है। रोहित ने बोला मैं तो मैम को कुछ भी दे दूंगा, मैं तो मैम को इंटरेस्ट रेट भी पे नहीं करूंगा, और उनको जो कोलेटरल का बोला है ना, मैंने वो कोलेटरल भी नहीं दूंगा। तो अगर वो मेरे को पैसे नहीं देगा, तो मैं शिवम को दे पाऊंगी क्या पैसे? मैं भी नहीं दे पाऊंगी, तो कौन फंसा इधर? मैं किसी को पैसे नहीं दे पा रही, शिवम को अपने पैसे नहीं मिल रहे, रोहित पैसे लेके भाग गया, ठीक है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट रोहित, सीरियसली मत लेना, ठीक है। बट ये सीन था, ठीक है। और रोहित के कोलेटरल से भी पैसे अपन रिकवर नहीं कर रहे, उसने जो, उसने समझो, उसने कोई बहुत पुरानी सी वो काइनेटिक आती होगी ना, वो कोलेटरल में दे दिया, अपने को लगा हाँ अच्छा है अच्छा है, ऐसे करके हमने भी ले लिया। दिस वॉज द सिचुएशन, ठीक है। अभी रिटेंशन ऑफ असेट्स, इन एडिशन टू सेलिंग दी सिक्योरिटाइज प्रोडक्ट्स, लीमन रिटेन्ड अ क्या क्या शिवम? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। मैंने किसी को, मैं यहाँ पे जोक्स ही मार रही हूँ आज क्लास में, थोड़े क्लास इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा किसी को भी। बट अभी समझी ना हर्ष, समझ में आई ना मेरी बात? हर्ष, शिवम, सबको समझ में आया ना? यश, कि मैंने पता नहीं क्या इतना सब कर दिया, एक बार इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, इट्स इनफ। भी यहाँ पे क्या करते हैं, इन एडिशन टू सेलिंग दी सिक्योरिटाइज प्रोडक्ट्स, लीमेन रिटेन अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देम ऑन बैलेंस शीट, ठीक है। ये जो एसेट्स थे ना लोन के, ये लोन्स को अपनी बैलेंस शीट पे भी रखता था, ठीक है। जो ये लाइबिलिटी एसेट जो भी अपना होता है ना, जो इसकी बैलेंस शीट थी ना, उसपे भी इसने रख रखा था, ठीक है। उसमें भी उसने ये लोन्स को दिखा रखा था, मतलब पूरी दुनिया को दिख रहा था कि ये लीमेन ऐसा कर रहा है। बट लोगों ठीक लग रहा होगा, जब तक सब चीजें सही सही चल रही है, तब तक अगर एसेट्स बैलेंस शीट पे है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस मीन लेमन वाज एक्सपोज टू द रिस्क एसोसिएटेड विद दीज एसेट्स, पर्टिकुलरली द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन एज हाउसिंग प्राइसेस बिगेन टू डिक्लाइन, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा था,
मैंने क्या बोला, रोहित ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। रोहित ने पहली बात तो डिड नॉट पेड मी इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट भी उसने मुझे वापस नहीं की, और उसके कोलैटरल की वैल्यू भी मार्केट में गिरने लगी। यही हो रहा था, ठीक है। तो ये जो रोहित का कोलैटरल था ना, और ये जो हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल तो मैं वापस ले ही नहीं पा रही, और ये जो कोलैटरल था ना, कोलैटरल की भी वैल्यू गिरने लग गई। मैम रोहित पे कर दो यार, मैं रोहित का नाम बदल देती हूँ, अब बहुत हो गया है रोहित, ठीक है। हम हर्ष को ही रख देते हैं, हर्ष को भी क्यों रखे, जाने दो ना, किसी को भी रख देते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई एक्स वाई जेड है समझो, ठीक है, हैप्पी रोहित एक्स वाई जेड कोई तो बंदा है, ठीक है। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, कोलैटरल नहीं दिया, प्रिंसिपल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है, मेरे को बहुत लॉस हो रहा है, और ये जो कोलैटरल की वैल्यू मैंने अपनी बैलेंस शीट पे दिखा रखी है कि ये मेरे पास इतने एसेट्स हैं, ये कोलैटरल से जो मैंने सिक्योरिटाइज मॉर्गेज बनाया है, ठीक है, वो मॉर्गेज अपनी बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट के सामने सामने मॉर्गेज की वैल्यू। हाँ ठीक है, कर देंगे, होगा ही बाद में होगा, अभी पढ़ो, अभी समझ में आएगा सब, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया ना सबको, सबकी वैल्यू डिक्लाइन होने लग गई, और जो असेट्स हमने बैलेंस शीट पे दिखाए थे वो भी सब नीचे गिरने लग गए। लेवरेज एंड फंडिंग स्ट्रेटेजी, अब क्या हुआ लेवरेज एंड फंडिंग स्ट्रेटेजी का, अरे पैसे कहाँ से लाते थे, पैसे कैसे बोरो करते थे, और पैसे कैसे लेंड करते थे, ठीक है, वो क्या स्ट्रेटेजी थी इनकी। वैसे मैंने समझा दिया है, इजीली समझ में आएगा। लीमन ब्रदर ऑपरेटेड विथ हाई लेवरेज रेशियो, ठीक है, पैसे बहुत बोरो करते थे, समझो मैं रोहित से, मैं कैसे शिवम से पैसे बोरो कर रही हूँ, वैसे ही ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत पैसे बोरो करते थे। इनका रेशियो था 31:1, ठीक है, खुद के सिर्फ 1% पैसे, खुद का सिर्फ 1%, खुद का सिर्फ रेशियो 1, और इसका रेशियो 31, समझ में आया। 31:1 का रेशियो मतलब कैसा हुआ, खुद का 10% पैसा और बाहर वालों को 90% पैसा लेके काम कर रही हूँ सारा, ठीक है। बट जब तक ये चीजें अच्छी लगती है तब तक अच्छी लगती है, लेकिन जब खराब लगनी चालू होती है ना, तब तब बहुत दिक्कत होती है। लीमन हैड $31 एसेट एसेट्स विथ हाई वाइल हाई लेवरेज कैन एम्पलीफाई प्रॉफिट्स ड्यूरिंग गुड टाइम्स। मैंने क्या बोला, जब तक चीजें अच्छी चल रही है तब तक अच्छी चल रही है, लेकिन इट कैन इट ऑल्सो इंक्रीजेस द वल्नरेबिलिटी टू लॉसेज एंड डाउनटर्न। मैंने क्या बोला है, ये बात किसी को याद है, जब हम रिस्क ज्यादा रखते हैं तो रिटर्न ज्यादा होते हैं, लेकिन जो जिस दिन रिटर्न ज्यादा होते हैं, यार ये क्या हो गया, हाँ उस दिन रिटर्न ज्यादा रहते हैं, लेकिन लेकिन इफ बैड सिचुएशन अकर्स, ठीक है, जब कुछ बुरा होने वाला है तो क्या, जब लॉस होगा ना तो लॉस भी ऐसे ही रिटर्न जैसा होगा, एकदम भयानक लॉस, ठीक है, यू कांट टेक इट। तो वो जब लॉस ऐसे होते हैं ना, तो यू नीड टू, तो मतलब क्या, बैंक की रप्ट हो जाता है, पूरा बैंक बैंक रप्ट हो जाता है, ऐसा काम हो जाता है, समझ में आई मेरी बात, लिक्विडेट करना पड़ेगा बैंक को, ये सिचुएशन आ जाती है। जब लेवरेज ले रखा है, जब तक रिटर्न मिल रहा है, सब सिचुएशन अच्छी है, तब तक गुड गुड है, एकदम अच्छी सिचुएशन है, लेकिन जिस दिन मार्केट नीचे आने चालू हुए, एवरीथिंग विल गो अपोजिट टू वॉट वी थॉट। वो रेशियो समझ नहीं आया, रेशियो कुछ नहीं है, ठीक है, रेशियो ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है, 31:1, बस इतना याद रखो कि जो लेवरेज था ना, ये मेरी लैंग्वेज में याद रख लो, कि खुद का सिर्फ 10% पैसा और 90% बाहर वालों का पैसा लेके मैं काम कर रही हूँ, लेकिन ये काम जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, एंड जिस दिन लॉस होगा उस दिन बहुत बड़ा लॉस होगा, समझ में आया रोहित, इतना सॉरी हर्ष, इतना याद रख लो, ठीक है। अभी आगे चलते, शॉर्ट टर्म फंडिंग मॉडल, शॉर्ट टर्म फंडिंग मॉडल इनका मॉडल कैसा था, ठीक है, ये लोग पैसे कैसे देते थे, मतलब इनके पास पैसे आते कहाँ से थे और कैसे देते थे, वो बात है, ठीक है। फंडेड इट्स लॉन्ग टर्म इलिक्विड सिक्योरिटाइज्ड असेट्स थ्रू, ये जो असेट्स इनके पास आते थे, मतलब जो इनके लोन्स थे, ठीक है, लोन्स को हम ये असेट बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा पैसा है ना, हमारा पैसा है, मतलब मैं किसी और को दे रही हूँ वो पैसा, मैं जो पैसा रोहित को दे रही हूँ, रोहित को तो यही लगेगा ना कि वो मेरा पैसा है, उसको क्या पता मैं शिवम से लेके आ रही हूँ, किससे लेके आ रही हूँ, उसको तो यही लगेगा मैम का पैसा है, तो वो मेरी बैलेंस शीट में मेरे लिए असेट होगा, ठीक है, वो मेरा असेट है। वो कैसे आता था,
ये जो मेरे पास जो पैसा आता था वो कैसे आता था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करके, ठीक है, मैं रोहित से शॉर्ट टर्म, सॉरी शिवम से शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करती थी पैसा। एंड एक्चुअली ये जो सिचुएशन मैंने बताई थी ना, थोड़ा रॉन्ग हुआ, थोड़ा मैंने गलत, थोड़ी मेरी गलती है उसमें, मुझे ऐसा बताना चाहिए था कि समझो यहाँ पे शिवम है, ठीक है, ये मैं हूँ और ये रोहित है, मैं, ये शिवम मेरे को थोड़े टाइम के लिए पैसा देगा ना, शिवम मुझे एक दिन के लिए पैसा देगा, और रोहित तुमसे मैं 15 दिन का रख लूंगी, ठीक है, रोहित को मैं बोलूंगी तू रख ले 15 दिन के लिए लोन, ठीक है, शिवम मुझे $1,000 देगा, मैं रोहित को दूंगी $1,000, इसके बदले में मैं रोहित को बोलूंगी तू मुझे 5.5% का इंटरेस्ट देना 15 दिन के अंदर, और मैं इसको बोलूंगी मैं तुझे चल 2.5% का इंटरेस्ट दे दूंगी, ठीक है, और ये जो 3% का गैप होगा ये मेरा प्रॉफिट होगा, ये सिचुएशन याद रखना, ठीक है, जब मैं किसी से पैसे लूंगी तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए लूंगी, जब मैं किसी को पैसे लेंड करूंगी तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेंड करूंगी, और ऐसे सिर्फ रोहित नहीं, हजार और कस्टमर्स है मेरे पास, ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई? हाँ या ना? यहाँ पे ये लोगों ने वही बोला है, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते थे, लॉन्ग टर्म के लिए लेंड करते थे पैसे, दिस इन्वॉल्व बोरोइंग फंड्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है, मैं डेली डेली शिवम को बोल रही थी चल एक दिन के लिए पैसे दे दे, एक दिन के लिए पैसे दे दे, और शिवम मेरे को देता है क्योंकि शिवम शिवम को तो डेली इंटरेस्ट रेट मिल ही रहा है, उसको तो मैं कोलेटरल भी देती थी कभी कभी, रोहित का या फिर किसी का कोई बहुत अच्छा कोलेटरल हुआ तो वो भी रख देती थी कि ये कोलेटरल रख रहे, मैं पैसे नहीं दू तो ये कोलेटरल बेच देना, ठीक है, और शॉर्ट टर्म बेसिस या तो एक दिन या तो थोड़े दिन के लिए, यूजिंग इट्स असेट्स एज कोलेटरल, ठीक है, ये जो लोन था ना, ये जो लोन था ये मैं इसको कोलैटरल जैसे दे देती, ठीक ठीक है, लोन शिवम को कोलैटरल जैसे देती कि मैं पैसे नहीं दूंगी तो तू ये लोन से जो भी पैसा मिलेगा जो भी होगा रख लेना, ये स्ट्रैटेजी थी, समझ में आया? इतना समझ में आया मैम? लेकिन अगर 34 दिन बाद बार लोगे तो रिस्क जीरो हो जाएगा, कैसे जीरो कैसे हो जाएगा शिवम, रिस्क कभी जीरो तो होगी ही नहीं ना, मैंने तो तुमसे पैसे ले रखे, तुम्हारे पैसे जिस दिन नहीं मिलेंगे उस दिन रिस्क तो है ही ना सबके लिए, थ्री परसेंट इंटू 34, कुछ समझ नहीं आ रहा, किसको समझ में आ रहा है शिवम क्या बोलना चाह रहा है मुझे? हाँ किसी को समझ में आ रहा है क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, आगे चलूं या रुकूं? थ्री परसेंट इंटू 34 1020, तो तुम ये 1,000 रुपए का एग्जाम्पल लेके समझ रहे हो क्या? तुम मुझे रोज रोज 1,000 रुपए दे रहे हो शिवम, रोज रोज 1,000 दे रहे हो, आज 1,000 दिए, कल वापस से 1,000 दोगे, परसों वापस से 1,000 दोगे, बात ऐसी चल रही है यहाँ पे, रोज रोज मैं तुमसे पैसे ले रही हूँ और वो पैसे वापस से लौटा रही हूँ, मतलब ऐसा है ले रही हूँ लौटा रही हूँ ले रही हूँ लौटा रही हूँ, और हर बार 1,000 रुपए नहीं होगा, ठीक है, मैं अपने नीड्स के हिसाब से लूंगी, कभी मैं तुमको बोलूंगी चलो 1,200 दे दो, मैं थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पे कर दूंगी, और क्या एक टाइम बाद यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग मी कि हाँ मैम तो पैसे दे रही है तो मैं मैम को लोन दे सकता हूँ कम पैसों कम रेट लगा के भी, समझ में आ रही है मेरी बात? जरूरी नहीं है कि इट विल ऑलवेज बी 100 ओनली, और ये मैंने क्या बोला है, सिचुएशन अच्छी चल रही थी बहुत टाइम तक, अच्छी चल रही थी इसलिए तो तुम मुझे रोज लोन दे रहे थे, लेकिन जिस दिन खराब हुई ना उस दिन यू स्टॉप गिविंग मी द लोन क्योंकि कोलेटरल से भी पैसे नहीं निकल पा रहे थे, अभी ये तब की सिचुएशन है जब 2007-9 में क्या हुआ, ठीक है, बाय 2006 हुआ ना तो सबको पता चलने लग गया था कि हाउस की सारी प्राइसेस नीचे गिरी है, मतलब कोलेटरल की जो प्राइसेस है ना वो नीचे आने लग गई है,
तो भी लीमन ब्रदर्स शर्म आ ही नहीं रही थी लीमन ब्रदर्स को, वो पैसे पे पैसे ले ही जा रहे थे, ठीक है, वो लोन पे लोन मना ही रहे थे, ठीक है, मतलब वो जो बैड कस्टमर्स थे ना उनके, उनसे लोन ले ही रहे थे। और वो, और देखो शिवम मुझे पैसे दे रहा है, जब तक शिवम को रिटर्न पैसा मिल रहा है तब तक शिवम को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिस दिन शिवम के कोलैटरल की वैल्यू गिरने लगी उस दिन शिवम को दिक्कत होगी, तो ठीक है, क्योंकि उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट होगा। देखो वो इतने टाइम से काम चल रहा है कोई, तो ही विल स्टार्ट ट्रस्टिंग मी कि हाँ ये तो मुझे पैसे दे रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं पैसे देना बंद कर दूंगी एंड बहुत दिन, बहुत टाइम हो जाएगा, उस दिन उसका ट्रस्ट खत्म होगा। तो क्या सिचुएशन थी यहाँ पे, लीमन तो स्टॉप नहीं हो रहा था, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे ना वो भी लीमन पे ट्रस्ट करके उसे पैसे देते जा रहे थे। बट इसकी साइन, बट ना जब 2007 का मिड हुआ, ठीक है, जब हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ, जब ये सब पूरा एकदम, बहुत पहले क्या, पहले थोड़ा कम होगा, पहले इट वाज जस्ट 5%, सबको नहीं पता चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है मार्केट में, तो क्या किसी ने इतना रियलाइज नहीं किया होगा कि ठीक है थोड़े टाइम हो रहा है, थोड़े टाइम बाद वापस से हाउस की प्राइसेस ऊपर आने लग जाएगी और सब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन जब ये 5% का एक साथ 95% हो गया ना, सब बहुत सारे लोगों की हाउस की प्राइसेस नीचे आने लग गई, और ऐसे नीचे आ रही थी कि समझो कोई 100 मिलियन का घर है जो कोलैटरल पे ले रखा है, तो उसकी वैल्यू सिर्फ बच रही है, समझो उसकी वैल्यू सिर्फ 30 मिलियन बच रही है, 70 मिलियन का लॉस हो रहा है, ठीक है, और अब वो लोन भी रीपे नहीं कर रहे सब लोग, ये सिचुएशन हो गई थी, ठीक है, तब 5% का ना। हाँ शिवम, ये मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो 5% है ना, पहले क्या, पहले सारे देखो धीरे धीरे मार्केट नीचे गिरना चालू होता है, तो यहाँ पे क्या सब हाउस की प्राइसेस पहले से नीचे नहीं गिरी होगी, पहले धीरे धीरे नीचे गिरी होगी, जैसे मेरा चलो सबके भी गिरने लग गई, तो 100 मिलियन का घर है मेरा जो कोलैटरल है, तो वो समझो 95 मिलियन होगा, तो तुमको क्या लगेगा कि हाँ अभी ठीक है मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो थोड़े टाइम के बाद वापस से रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे करते करते लोग टालते गए बात को, लेकिन जब ये 100 मिलियन के घर की वैल्यू सिर्फ 30 मिलियन हो गई, और कोलेटरल की वैल्यू, जो हमारा कोलेटरल है, ठीक है, घर मेरा कोलेटरल है समझना, जब इसकी वैल्यू इतनी नीचे गिर गई ना, तो तब सबको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और उस टाइम पे ना ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे ना, इनने अपने हाथ खड़े कर दिए कि नाउ वी विल नॉट गिव लोन, ठीक है, नाउ वी विल नॉट गिव एनी लोन। देखो लेंडर्स बिकेम इंक्रीजिंगली अनविलिंग टू एक्सटेंड क्रेडिट टू फर्म्स लाइक लीमन व्हिच रेज्ड कंसर्न्स अबाउट देयर लिक्विडिटी। समझ में आई बात? हाँ हाँ या ना तो बोलो। फिर बैंकरप्टसी। अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ये तो हो गया लीमन की सर, लीमन पूरा डूब गया, ठीक है, ये सब हुआ ना, इसके बाद लीमन पूरा का पूरा नीचे आ गया, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा लॉस हुआ था इसके बाद लीमन को। फिर लिक्विडिटी क्राइसिस में क्या हुआ, जब 2008 हुआ तो लीमन ब्रदर्स फेस सीवियर लिक्विडिटी क्राइसिस, ठीक है, क्योंकि वो जो ये लोन का पैसा था कैसे रिकवर ही नहीं कर पा रहे थे, वो लोग बहुत ज्यादा उसमें थे, मतलब उनके पास, उनको FIs को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना था, जो कोलैटरल की वैल्यू थी उससे पैसे नहीं निकल पा रहे थे, और जो बोरोवर्स थे वो भी बोरोवर्स ही पैसे वापस नहीं कर रहे थे, ठीक है। इट्स रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फंडिंग लेफ्ट इट अनवल्नरेबल व्हेन इन्वेस्टर्स लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड पुल्ड बैक फ्रॉम लेंडिंग, ठीक है, ये जो शॉर्ट टर्म जो FI, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे ना, इनको, इनका जो ट्रस्ट था ना, इनका पूरा ट्रस्ट खत्म हो गया, ठीक है, दे लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और उनने ना ये जो लेंडिंग दे रहे थे बार बार थोड़े थोड़े दिन में, उसके बाद क्या शिवम ने क्या किया, शिवम को लगा अरे ये तो पैसे दे नहीं रही वापस, ये खुद डूब रही है, मेरे को क्या पैसे देगी, तो फिर शिवम ने बोला जाने दो जाने दो, मैम को लोन ही नहीं देना, ठीक है, ये सिचुएशन हुई, ठीक है, शिवम ने बोला आई विल नॉट गिव लोन टू मैम नाउ, तो सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। और रोहित ने, रोहित तो एनीवेज पैसे लेके भागी गया था मेरे, तो रोहित ने तो पैसे देने बंद ही कर दिए थे, उसका जो कोलैटरल था वो भी नहीं चल रहा था, तो इसकी वजह से कंपनी के जो ऑब्लिगेशंस थे ना बहुत ज्यादा बढ़ गए, और ये जो रेपो मार्केट चल रहा था ना, रेपो मार्केट, ये पूरी सिचुएशन ड्राइड अप हो गई, ड्राइड अप मतलब इट वेंट इन टू लॉसेस। ओके ठीक है, ठीक है, चलो आज की क्लास इंटरेस्टिंग हो गई ना,
इसके बाद क्या हुआ, फाइलिंग फॉर बैंकरप्सी, ये याद रखना ठीक है। कोई भी पूछेगा कि लीमन ब्रदर्स का केस जब एंड हुआ तो कैसे एंड हुआ, तो फिर इसके अंदर आएगा कि सीईओ रिचर्ड फुल्ड फल्ड, पता नहीं कौन है ये ठीक है, इसने अनाउंस किया कि लीमन ब्रदर्स वाज अनेबल टू सिक्योर एडिशनल फंडिंग एंड हैड नो चॉइस बट टू फाइल बैंकरप्सी। ठीक है, तो सीईओ ने, ये लीमन के सीईओ ने डिक्लेयर किया बैंकरप्सी, ठीक है। दिस मार्क लार्जेस्ट बैंकरप्सी फाइलिंग इन यूएस हिस्ट्री एंड शॉक द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। अब इसके अंदर क्या क्या लेसन लर्न करने जैसे, तो सबसे पहले तो क्या है, द कोलैप्स ऑफ लीमन ब्रदर्स अंडरस्कोर्स द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इससे यही शिवम नहीं देखेगा, ठीक है, मैं देखूंगी, मैं वो बैंक यहाँ पे, शिवम वॉज नॉट द बैंक, शिवम तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आई एम द बैंक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे बैंक की जो रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी सब एकदम बेकार थी, मैंने कुछ ध्यान ही नहीं रखा किसी भी चीज का। ठीक है, दैट इज व्हाई आई वाज कंसर्न्ड विद लिक्विडिटी रिस्क, फर्म्स मस्ट इंश्योर दे हैव एडिक्वेट कैपिटल। ठीक है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी अनएक्सपेक्टेड लॉस होते हैं तो हमारे पास अच्छा खासा इकोनॉमिक कैपिटल हो, रेगुलेटरी कैपिटल हो, इसलिए बाद में बेसिल 3 आया था। ठीक है, फिर डाइवर्स फंडिंग सोर्सेज स्पेशली ड्यूरिंग वोलेटाइल मार्केट कंडीशन। इसका क्या मतलब, वो जो मार्केट नीचे आए तो बस तब पैसा होना चाहिए कि भाई मैंने जिससे बोरो कर रखे पैसे, वो एटलीस्ट मैं उसको पैसे वापस कर पाऊँ, तो आई शुड हैव सफिशियंट कैपिटल। हाँ ठीक है, चलो लेवरेज एंड एसेट लिक्विडिटी। हाई लेवरेज कैन मैग्निफाई बोथ गेन्स एंड लॉसेस। ठीक है, मैं अगर बहुत ज्यादा लेवरेज लूंगी तो मेरे पास रिस्क होती है कि लॉस हो सकता है मुझे, तो यहाँ पे ये लोग वही बता रहे हैं कि अगर आप हाई लेवरेज लोगे तो जितनी रिटर्न होने की पॉसिबिलिटीज है, जितना ज्यादा रिटर्न आता है उससे ज्यादा लॉस भी आ सकता है, तो यू शुड बी रेडी विथ ऑल दिस थिंग्स। तो इसलिए यू नीड टू इंश्योर दैट योर फंडिंग स्ट्रेटेजीज अलाइन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज असेट्स, जिनका मैंने, जो असेट्स मैंने, जैसे जो भी मैंने असेट्स रोहित से ली थी वो मुझे चेक करनी चाहिए थी कि वो जो कोलेटरल था वो उसने अच्छा दिया नहीं दिया, जो मेरे लोन्स थे वो सब प्रॉपर थे या नहीं। तो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इतना हाई लेवरेज लेके जो लोन्स मैं खुद जनरेट कर रही हूँ वो अच्छे हैं या नहीं है, आई शुड चेक इट। ठीक है, और फिर मार्केट अवेयरनेस मतलब क्या, लीमन को पता चल गया था अरे गलती सबकी है, ठीक है, इस सिचुएशन में सबकी गलती थी। ठीक है, सबसे कम गलती थी तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की थी, और तो गलती सबकी है। चलो अभी इसके बाद ये लोग, हाँ ठीक है ठीक है, चलो 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 सिंसियरली पढ़ो। हाँ ठीक है, अरे सुनो ये सब जोक्स है। हाँ ठीक है, शिवा ये क्या, ये वाला केस खत्म कर देते हैं, लीमेन खत्म करते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। ठीक है, कल वैसे ही मैं लंबी क्लास रखने वाली हूँ। फिर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ मार्केट कंडीशंस एंड प्रोएक्टिव एडजस्टमेंट्स टू बिजनेस मॉडल्स आर एसेंशियल। इग्नोरिंग वार्निंग साइंस सच एज डिक्लाइनिंग हाउस प्राइसेस कैन लीड टू कैटेस्ट्रॉफिक आउटकम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मुझे पता था कि डिक्लाइन हो रहे हाउस प्राइसेस, तो मुझे थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए था, देख लेना चाहिए था कि भाई कोलेटरल की क्वालिटी कैसी है क्या है, बट मैंने कुछ चेक नहीं किया। मैं अब आराम से देती रही, मैं शिवम से पैसे बोरो करती रही, लोन बनाती रही अपने, मैं सब करती रही। ठीक है, आई वॉज नॉट स्टॉपिंग। ठीक है, अच्छा ठीक है, यश यश एंड करते। ठीक है, बस ऑलमोस्ट डन है, अभी कंक्लूजन में कुछ ऐसा खास नहीं है, कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस और ये वाला फिर कल करेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ यश, बेस्ट ऑफ लक। तो मैं आज की क्लास एंड कर दूँ, पहले कल की क्लास का टाइमिंग तो बता दीजिए, किसको क्या चाहिए। कल सुबह की क्लास रखूंगी, मेरे को बता दो, 12 से 2 की क्लास रख दूँ। क्योंकि कल सैटरडे है मेरा, अरे इवनिंग में आई हैव टू गो इन अ पार्टी। यश की तो एग्जाम है, यश का तो आना मुश्किल ही है। शिवम और रोहित तुम्हें चलेगा बार?
सेम टाइम पे रेसिडेंस, क्या टाइम पे? यही वाले सेम टाइम पे। यही टाइम पे रख दूं तो 6 to 6 to, एक काम करते ना, 5:30 to 7:30 रखते हैं, ठीक है? 5:30 to 7:30, इज इट ओके फॉर यू ऑल? क्योंकि कल 8 बजे मेरे घर में ही पार्टी है। अच्छा हाँ, कल तो शिवम ने मुझे पहले ही बोल दिया, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। कल की क्लास का टाइमिंग ऑलरेडी फिक्स है, 4:30 to 6, ठीक है? शिवम ने मुझे पहले ही बोला था, उसको कहीं जाना है, ठीक है? रोहित चलेगा 4:30 to 6? यस मैम, चलो यस। हाँ, कल 4:30 to 6 शिवम, ओके? ठीक है, 4:30 to 6। मैं मेरे ध्यान मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया था, ठीक है, चलो चलो अभी, बाय, टेक केयर, ये सब पढ़ लेना, ठीक है, एक बार, बाय।